हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो देखो, हम लोग इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप सीधे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग यहाँ पर तो हम लोग सभी लोग जानते होंगे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। आपको सभी को पता होगा कि ट्रेड किस तरीके से करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग बेसिकली होती कितनी प्रकार से है, इन सब बातों को हम लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझेंगे और सारे पहलुओं पे हम लोग अच्छी तरीके से नजर बनाए रखेंगे और सब चीजें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से आप सीख सकें। अगर आप बिगिनर हैं और आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बिगिनर लेवल पे मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ट्रेडिंग। तो ये जो सेक्शन है, सबसे पहले मान लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो हम अगर ऑप्शन को हटा दें, सबसे पहले अगर हम लोग ऑप्शन को हटा दें, यहाँ से रिमूव कर दें ऑप्शन को, तो हमारे पास रह जाता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे होता है। आप क्रिप्टो ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं आप, शेयर में कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो निफ्टी फिफ्टी या निफ्टी बैंक में कर सकते हैं, या आप कोई शेयर को बाई कर सकते हैं। और ये किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप डिलीवरी में ले सकते हैं, यहाँ पे आप इंट्राडे में कर सकते हैं, और यहाँ पर आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप फ्यूचर ऑप्शन में करेंगे, फ्यूचर में, और ये आप ऑप्शन में करेंगे, और ये आपका ऑप्शन में रहेगा। ये वो इसमें रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। तो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी आपकी ट्रेडिंग में ही, सारी चीजें आ जाती हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग में सारी चीजें आने का मतलब ये नहीं कि आप क्रिप्टो में ट्रेड करें तो क्रिप्टो के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन हम लोग आज बात करने वाले शेयर बाजार से रिलेटेड सारी चीजें अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी शेयर को जब भी हम लोग खरीदते हैं, मान लीजिए मैं कोई अभी रिलायंस का भी मुझे कोई शेयर खरीदना है, तो मैं किस किस तरीके से उसको शेयर को खरीद सकता हूँ, उस चीजों के बारे में सबसे पहले हम उसको समझते हैं। क्योंकि देखिए, बेसिक चीजें तो हम लोग समझेंगे नहीं तब तक आप लोग फंडामेंटल्स को नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी कोई बिगिनर कोई आता है, मान लीजिए कोई ये कोई आपका ये कोई बंदा है, अब इसको शेयर खरीदना है, अब शेयर मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो ये एक स्टॉक ब्रोकर का सहारा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं SB डाल देता हूँ, स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, SB मतलब स्टॉक ब्रोकर। ये एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं स्टॉक ब्रोकर का नाम अप स्टॉक हो गया, आपका ग्रो हो गया, उसके बाद आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया, उसके बाद आपका पेटीएम मनी हो गया, एक्सपर्ट ऑप्शन हो गया। ठीक तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो ये सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं। अब मान लीजिए ये जो स्टॉक ब्रोकर है, ये अपनी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इसने एक यूजर इंटरफेस, एक आपको ऐप मिल गई, यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियों की लिस्टिंग, आपकी कंपनी की लिस्टिंग यहाँ पर हो गई। और यहाँ पर आपने देखा कि मुझे फर्स्ट वाला शेयर है, नहीं मुझे ये वाला, यानी ये वाला मुझे शेयर जिसकी कीमत अभी 50 रुपये है, इसको मुझे खरीदना है। तो नॉर्मल जितने लोग होते हैं, जो नॉर्मल बिगिनर एक होता है, वो ये इन सब झंझटों में पड़ता नहीं है, वो सीधे शेयर को बाय करता है डिलीवरी में। तो यहाँ पे केस आता है डिलीवरी का, तो जिसमें रिस्क बहुत कम है वो कौन सा ऑप्शन है, वो आपका डिलीवरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिलीवरी के ऑप्शन में लोग आते हैं, यहाँ पे डिलीवरी शेयर को सबसे फर्स्ट, यानी बिगिनर लेवल पे अगर कोई खरीद रहा है तो किसमें खरीदेगा, नंबर एक पॉइंट है डिलीवरी में। ठीक है, डिलीवरी में खरीदेगा, और इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क इसमें कम होता है। ठीक है, रिस्क डिलीवरी में रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि डिलीवरी में अगर मैं एक शेयर को खरीद लेता हूँ तो मैं उसको 2 साल के बाद भी उसको बेच सकता हूँ। जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं बेचूंगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं नहीं बेचूंगा, ये भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये उसी प्रकार उसी शेयर को, यानी ये टाटा का शेयर मान लीजिए, ये टाटा का शेयर मैंने इसको डिलीवरी में लिया है, और इसको मैं इंट्राडे में भी ले सकता हूँ, इंट्राडे में ले सकता हूँ। इंट्राडे में फायदा क्या होता है कि इंट्राडे में जब भी आप किसी शेयर को लेते हैं तो आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो 5x मार्जिन देता है आपको, लेकिन डिलीवरी में आपको 1x मार्जिन मिलता है। अगर डिलीवरी में आप अगर आप लेंगे, इसमें मार्जिन आपका कौन सा रहेगा, तो मार्जिन 1x तक आपको मार्जिन मिलता है,
और ये जो मार्जिन जो देते हैं ये आपके स्टॉक ब्रोकर देते हैं, और जब भी आप इंट्राडे में कोई भी शेयर को बाई करेंगे तो वहां पे आपको 5x मार्जिन तक मिलता है। यानी अगर कोई शेयर मान लीजिए अगर शेयर कोई ₹1 ₹5 का है तो आपको ₹1 का वो शेयर मिल जाता है। और डिलीवरी की बात, ये इंट्राडे में एक फायदा ये भी रहता है कि इंट्राडे में अगर बिगिनर हैं और अगर आप मार्केट के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है या आपको मार्केट का एनालिसिस करना नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर इंट्राडे में आप आसानी से स्विच कर सकते हैं और इंट्राडे में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर लॉट का कोई मैटर नहीं होता है, यहाँ पर आपको लॉट से कोई मतलब नहीं होता है। अब मैं आपको लॉट भी समझा देता हूँ। जब भी आप, अब देखिए ये मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है, अभी इसको आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं। डी का माने, डी मीन्स होता है डिलीवरी, मैंने डी मतलब डिलीवरी और आई मतलब इंट्राडे, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। जब भी कोई बिगिनर मान लीजिए इसको नॉलेज नहीं है तो वो सीधे कहेगा हाँ भाई टाटा का शेयर अच्छा है तो आप टाटा का शेयर खरीद लो, वो सीधे आएगा एप्लीकेशन पे लॉगिन करेगा और अपने स्टॉक ब्रोकर से की हेल्प से आप यहाँ पर अपना एक शेयर खरीद लेंगे। अगर आप एनालिसिस आपको करना आता है तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप इंट्राडे में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे में आप किसी भी कंपनी का शेयर ले लीजिए और 500 600 700 शेयर की क्वांटिटी के साथ आप जब भी इंट्राडे करेंगे तो इंट्राडे की एक खास बात यह रहती है कि ये वन डे में रहता है, ठीक है, यानी वन डे की बात, इसमें एक दिन का रहता है 9 से लेकर 3 बजे तक, ठीक है, 9 to 3 बजे तक, ठीक है, यानी 9 बजे से मार्केट खुलती है, 9 बजे से 3 बजे तक ये आपका क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अगर आपको दिन में प्रॉफिट होता है तो आप इस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको लॉस के साथ ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा 3 बजे ऑटोमेटिक, आप चाहें तो अपने आप ही कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क कम रहता है। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट तो होता है लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं ले पाते हैं इंट्राडे के केस में, ठीक है। उसी प्रकार अब दूसरे पहलू को देखते हैं, हमने बात कर ली टाटा का शेयर को, हमने दो तरीके से खरीदा, एक तो हमने खरीदा डिलीवरी में, दूसरा हमने खरीदा इंट्राडे में। डिलीवरी में हम बाद में बेचेंगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जब हमें प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए अभी इसका शेयर मान लीजिए अभी ₹5 का है, टाटा का शेयर की वैल्यू ₹5 की है, 2020-2022 चल रहा है और 2030 में इस शेयर की यानी एक शेयर की वैल्यू हो गई ₹500। तो देखिए ₹5 से 500 अगर हो जाएगी तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो लेकिन मैं अभी बेच नहीं रहा हूँ इसीलिए मुझे 500 का, ये मुझे 2030 में भी इसको बेचूंगा जब ये 500 का हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म का होता है। डिलीवरी आपका इंट्राडे में आप जब भी करेंगे तो इंट्राडे में आपका वन डे में रहता है, तो आपका अगर मॉर्निंग में आपने अगर कोई भी शेयर आपने मॉर्निंग में लिया है तो आसानी से वो सेल हो जाएगा शाम तक। अब बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर की, तो बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, तो आप लोग अपने मनपसंद का स्टॉक ब्रोकर ले लें, लेकिन स्टॉक ब्रोकर जब भी आप कोई भी स्टॉक की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान में देनी होगी, जैसे एएमसी चार्ज हो गया, आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज इसको बोलते हैं, उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग, जब भी आप अकाउंट खोलते हैं आपकी जीरो में अकाउंट खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको अपस्टॉक का अकाउंट बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन से आप वहां से अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है, एएमसी चार्ज बिल्कुल फ्री है, और डिस्क्रिप्शन से जो लिंक है अगर आप उससे अकाउंट बनाएंगे तो आपको ₹1000 का ब्रोकरेज चार्ज मिल जाएगा, जब भी आप ट्रेड करेंगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, तो ये आप इसका बेनिफिट है। दूसरी बात इसमें है कि आप इसको कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं, वेब ब्राउजर पर एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी इससे फैसिलिटी रहती है, और 24 घंटे आप कभी भी इनके कॉल डायरेक्टली इनको कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन अपस्टॉक है, तो मैं इस रिकमेंड इसी को करूंगा और मैं इसको यूज भी करता हूं। ओके चलो, तो स्टॉक ब्रोकर की मैंने बात कर ली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसको अकाउंट इसका क्रिएट कर सकते हैं फ्री में, कोई पैसा आपको नहीं देना है, फ्री में अकाउंट ओपनिंग हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो मेन जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो मेन मेथड है पैसा कमाने का, क्योंकि जब भी कोई शेयर मार्केट में जो भी कोई आता है उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए होता है। अब देखिए जब भी मैंने लिखा था ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने बोला था ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग आप किस तरीके से करेंगे, तो जब भी आप, मैं इसको एक चार्ट बना दे रहा हूं, मैं ठीक है, यहां पे निफ्टी बैंक एंड निफ्टी यहां पे हो जाएगा बैंक, ठीक है, जब भी आप निफ्टी 50 में करते हैं, निफ्टी बैंक में करते हैं, निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक में डायरेक्ट आप ट्रेड करते हैं तो आपको इसमें लॉट मिलता है, यानी एक लॉट, मान लीजिए इसमें लॉट का जो प्राइस होता है 1 लॉट, यानी एक लॉट में आपको कितना क्वांटिटी मिलता है, मिनिमम 50 to 25, यानी 50
या फिर आपको 25, यानी लॉट की जो अलग अलग रहता है, निफ्टी का भी अलग रहता है और निफ्टी बैंक का भी अलग रहता है, दोनों में डिफरेंस रहता है, किसी में 25 रहेगा तो किसी में 50 रहेगा। इसमें क्या होता है कि आप इसमें जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉक ब्रोकर उसके लिए अलग से एक सेक्शन प्रोवाइड करा देता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सारे स्टॉक ब्रोकर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए अपस्टॉक की मैंने बात करी थी, क्योंकि अपस्टॉक में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि अपस्टॉक जो है एमसीएक्स इसमें इनेबल है और आप आसानी से फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए मार्केट खुली है अभी 9 बजे मार्केट खुल चुकी है और मुझे ट्रेड करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे, चाहे मैं फ्यूचर में ट्रेड करूं या मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करूं। जब भी मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूं, फ्यूचर की ट्रेडिंग पहले मैं बता देता हूं आपको, तो यहां पर देखिए आपका जो लॉट होगा उसमें एक्सपायरी रहती है, लॉट की एक्सपायरी रहती है एक हफ्ते का या एक महीने का। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पे सारे के सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे फ्यूचर के लिए, तो जितने भी आप जो भी आपको लेना होगा सिर्फ उसकी एक अवधि होती है, उसी अवधि में एक्सपायर हो जाता है, यानी मंडे टू सैटरडे तक सारे के सारे एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको सैटरडे में एक्सपायर जाएगा और मंडे से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ये तो वीकली होता है, ये वीकली होता है और एक मंथली भी होता है। मंथली में 1 से 28 का है तो 28 को, अगर 29 का है तो 29 को, 30 का महीना है तो 30 को, ठीक है, और 31 का महीना है तो 31 को, इस तरीके से। तो आप इसमें आप जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, जब भी मान लीजिए मैं एक लॉट ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एक लॉट ले लिया यहाँ से और एक लॉट में 50 क्वांटिटी है, तो ये 50 क्वांटिटी को मैंने लिया है वीकली एक्सपायरी में, यानी इसकी जो एक्सपायरी होगी वीकली एक्सपायरी होगी, यानी मंडे से सैटरडे के बीच में ये एक्सपायर हो जाएगा। और अभी मार्केट कितनी चल रही है, अभी मार्केट चल रही है, मान लीजिए मार्केट अभी चल रही है 38,200 पे, और मैंने लिया है 38,400 पे। ठीक है, मैंने ये सोचा है कि मार्केट एक हफ्ते में बढ़ेगी और 38,400 तक जा सकती है, तो मैंने ये फ्यूचर का मैंने एक ले लिया है लॉट, जिसमें 50 मेरे शेयर होंगे। तो लॉट का मतलब ये है कि इसमें क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी रहती है, उसमें 50-25 इस तरीके से लॉट होता है। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि हमारा लॉट जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 28,200 पर करंट वैल्यू चल रही है, लेकिन मैंने 38,200 करंट वैल्यू है, मैंने 38,400 पर मैंने लिया, तो इसको बोलेंगे क्या? और यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मैं हटा देता हूँ। फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, बाई एंड सेल का, बाई एंड सेल। ठीक है, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वहां पर बाई एंड सेल का, तो आपको अगर खरीदना है तो आप लोग क्या करेंगे, बाई पे क्लिक करेंगे अगर आपको खरीदना है तो। ठीक है, और अगर आपको बेचना है तो आप सेल पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए अभी मुझे मार्केट जो करेंट मार्केट है, ये आपका ग्राफ इस तरीके से होता है और यहाँ पे आपको एक चार्ट मिलता रहता है, इस तरीके से ये चार्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट इसका अगर मैं ले लू, यहाँ पे मैं अगर मैं एंटर करता हूं इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे एंटर करूंगा, तो अगर यहाँ पे इसका जो करंट प्राइस है, इस वाले पॉइंट पे करंट प्राइस चल रहा है 16,400, अगर इसका करंट प्राइस चल रहा है और मुझे यहाँ पर अगर एंटर होना है तो मार्केट कैसे जाएगी? मैंने सोचा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है, तो अगर मैं इसका ऑप्शन में ले रहा हूं, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मैं कर रहा हूं, तो ऑप्शन में मान लीजिए मैं निफ्टी बैंक का लेता हूं, निफ्टी बैंक का मैंने दो लॉट ले लिया, तो यहां पे 100 क्वांटिटी मुझे मिल जाएगी। माना कि इसका एक लॉट की कीमत मान लिया मैंने कि एक लॉट बराबर कितना है, 50 है। ठीक है, मान लिया मैंने 25 भी होता है 50 भी, तो उसमें आप लोग बाद में, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ उसी उदाहरण के लिए। तो मैंने क्या किया, दो लॉट ले लिए मैंने, एक लॉट में मान लीजिए एक लॉट बराबर कितना है, 50,000 में क्वांटिटी है, लेकिन मैं 16,000 पे इसको बाई कर रहा हूँ, 16,000 करंट वैल्यू इसकी कितनी चल रही है, 16,000 करंट वैल्यू कितनी है इसकी, 16,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, 16,400 है तो मैं इसको कॉल ऑप्शन को भी क्लिक
16,800 का मैं कॉल ले लूंगा। कॉल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाना, एंड पुट का मतलब होता है मार्केट नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी एनालिसिस कहती है। और यहाँ पर आप जो ग्राफ देखें उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और ग्राफ में आपको कैंडल का भी ऑप्शन मिलता है इस तरीके से। तो हर कैंडल का एक अपना नाम होता है, हर कैंडल का एक अपना नाम होता है। मैं दो तीन बात मैं बता दूं आपको। एक हैमर होता है, हैमर कैंडल भी होती है, डोजी होता है, और कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बेसिक वीडियो मैंने बना भी दिया इसके कैंडलस्टिक पैटर्न पे, बेसिक वीडियो आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, उसको बेसिक पैटर्न आप उसका देख सकते हैं। सारे नाम मैंने अच्छे तरीके समझाए भी हैं। अब देखिए, मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, ये हम लोग अपनी एनालिसिस पे देखते हैं। और आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। मैं दो तीन बुक्स रेकमेंड करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब देखिए, यहां से अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 16,800 अगर यहाँ पे मार्केट आ चुकी है निफ्टी बैंक का, और मुझे 16,300 पे लेना है, यानी मैंने सोचा कि चलिए अब मार्केट नीचे जाने वाली, तो मैं दूसरी ट्रेड लेता हूँ इसकी, निफ्टी बैंक की मैं सेवा लेने वाला हूँ। 16,800 करंट चल रहा है अभी, और मुझे लेना है इसका पुट ऑप्शन। मुझे पुट लेना है, तो मैं कितने का ले रहा हूं, मैं 16,500 का मैं पुट इसका ले लूंगा। पुट का मतलब होता है मार्केट नीचे जाने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाली है। अब मार्केट कितनी नीचे जाती है ये हमें नहीं पता है। हमारा टारगेट है कितना, टारगेट हमने ले लिया है 16,500 का, और ये टारगेट जैसे ही हिट कर जाएगा, जैसे मार्केट मैंने जैसे ही लिया 16,800 का, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर हो जाने के बाद मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गया, हमारा टारगेट 16,500 मान लीजिए हमने अचीव कर लिया है, और हमें लग रहा है कि मार्केट अभी भी नीचे जाएगी, अभी मार्केट नीचे जाने वाली है, यानी मान लीजिए इस तरीके से अभी भी ग्राफ टूट रहा है नीचे की तरफ। जितना ही नीचे जाएगा उतना हमें फायदा रहेगा, लेकिन जब भी हमें लगेगा कि हाँ अब यहाँ पर हम लोगों को यहां से एग्जिट हो जाना चाहिए, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने ट्रेड किया है ये निफ्टी का इंट्रा डे में मैं ले लूंगा, इंट्रा डे ट्रेडिंग कर लूंगा, और ये किसकी रहेगी, ऑप्शन की ट्रेडिंग रहेगी। जब भी आप ऑप्शन का इंट्रा डे ट्रेड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन के इंट्रा डे ट्रेडिंग में आपको मॉर्निंग में 9 बजे मार्केट खुल जाती है, और यहाँ से किसी 3 बजे तक चलती है, या 2 बजे भी, या मतलब ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 3:15 तक भी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंट्राडे लेना है ऑप्शन में, लेकिन अगर आप फ्यूचर में ले रहे हैं तो आपको वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी आप ले सकते हैं। उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं कि पुट ऑप्शन ले रहे हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, आप सेल पे क्लिक करेंगे, बाई कर रहे हैं तो आपको बाई पे क्लिक करना है, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। अगर आप सेल करने वाले हैं तो आप लोग सेल भी कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये भी बहुत ज्यादा, मैं इसको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस लिए, क्योंकि जब भी आप सेल करते हैं तो प्रॉफिट सेल में ज्यादा होता है, प्रॉफिट किस में जाता है, सेल में। लेकिन यहाँ पर बाई में प्रॉफिट आपको कम होता है, लेकिन सेल में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि सेल में जब भी आप खरीदेंगे, जब भी आप किसी भी शेयर को आप लोग, चाहे निफ्टी 50 हो चाहे निफ्टी बैंक हो, ठीक है, तो जब भी आप इसमें करेंगे तो प्रॉफिट आपको सेल में ज्यादा होगा, लेकिन आपको पैसा ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए मैक्सिमम जितने लोग हैं वो बाई करते हैं, इसमें थोड़ा कम खर्चा होता है और इसमें प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ प्रॉफिट होता है, ठीक ठाक प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है इसमें। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि हाई रिस्क, इसमें रिस्क जो रहता है, इसमें हाई रिस्क रहता है। तो सेल का मैं अलग से बताऊंगा, एक प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा, इसमें आसानी से आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज मैंने बात किया कि हम लोग किस तरीके से बिगिनर लेवल पे हम लोग अच्छी तरीके एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप लोग स्टॉक इन्वेस्टर या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नाम से आप लोग एक बुक आती है, आप उसको पढ़ लीजिए, बेस्ट बुक है। तो सबसे पहली बात ये थी कि जब भी आप लोग इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, ज्यादा आपको उत्तेजित नहीं होना है, और अपने खुद पे कंट्रोल करना है। जब भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है, मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक नहीं करना है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, तुरंत प्रॉफिट बुक नहीं करना है, ध्यान देना है आपको, तुरंत प्रॉफिट आपको बुक नहीं करना है। मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं
कि मैंने एक शेयर लिया, मैं निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, और मैंने 8,000 रुपये लगाए और मुझे अभी 12,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, पी मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो मुझे अभी रुकना है यहाँ पे, तुरंत मुझे एग्जिट नहीं करना, ये 12,000 सीधे 50,000 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर मार्केट कुछ ज्यादा वोलेटाइल होती है, और वोलेटाइल होने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारी जो एनालिसिस होने अच्छी से एनालिसिस हमें कर लेना है इन सब चीजों का, ताकि सारी चीजें हम लोग अच्छी तरीके से समझ सके और एक अच्छा ट्रेडर बन सके, ओके। तो आई होप आपको सारा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक का मैंने लिंक दे दिया, वहां पर MCX आप लोग इनेबल कर लीजिएगा ताकि आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर सकें। MCX का मतलब होता है मल्टी कमोडिटी में ट्रेड करना, इसको आप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बोल सकते हैं। मल्टी कमोडिटी का मतलब होता है कि ढेर सारी कंपनियां एक में ही आ गई हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो निफ्टी होता है निफ्टी 50 का मतलब क्या है, इसमें निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियां हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मल्टी कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी में एक ही होता है, लेकिन मल्टी कमोडिटी में बहुत सारी कमोडिटी ऐड होती हैं और हम लोग उसी में ट्रेड करते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट के चांस अधिक होते हैं और लॉस के भी होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आप लोगों को एनालिसिस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ मेरा मन कह रहा है कि हाँ ग्राफ ऊपर जाएगा, तो आप गलत हैं, ये कोई जुआ नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा, ये किसी भी प्रकार कोई जुआ नहीं है, तो जुआ खेलने मत आइएगा यहाँ पे कि अपने मन से आप बोलेंगे नीचे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो, ये एक दो दिन की बात, एक मान लीजिए आज हो गया, कल थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ को नॉर्मल मत समझिएगा, ये ग्राफ आपकी लाइफ बना सकता है तो लाइफ बिगाड़ भी सकता है आपकी गलतियों की वजह से, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट पर डे 50,000 से 60,000 70,000 80,000 1,00,000 2,00,000 तक वो लोग प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? क्योंकि वो लोग खुद पे मेहनत करते हैं, खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद की स्किल्स को डेवलप करते हैं, और आपको खुद की स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा तभी आप अच्छे से यहाँ पर सीख पाएंगे। तो अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म इतना बेहतरीन है कि आपको बहुत सारी चीजें, वो उनके यूट्यूब चैनल से आपको सपोर्ट मिलेगा, पर डे आपको न्यूज आएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप 24/7 उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। तो अपस्टॉक का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहां से आप बना सकते हैं, तो आपको वहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे अच्छी तरीके से, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो सेल ऑप्शन है इससे भी कैसे प्रॉफिट निकालना है। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं बाई करूंगा उसके बाद सेल करूंगा, लेकिन नहीं, आप सेल कर पहले सेल कर सकते हैं, उसके बाद बाई भी कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन, ओके। तो आई होप सारी चीज अच्छे समझ गए आप लोग, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।